इस कहानी का नाम है भेड़िया। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोस। दोस्तों बीते दिन 30 सितंबर को जहां एक तरफ ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग हुई, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी अपकमिंग फिल्म भेड़िया का दमदार टीजर भी रिलीज किया गया, जिसने लोगों का दिन बना दिया था। वैसे देखा जाए तो इससे पहले फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसे वरुण धवन ने ही शेयर किया था, और उसमें वरुण धवन की आंखें एकदम अलग नजर आ रही थी। कह सकते हैं कि उन आंखों में कुछ मतलब चमक थी, या कह सकते हैं रेड कलर की आंखें थी। पोस्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया, साथ ही अब टीजर आने के बाद से ही लोग काफी एक्साइटेड हैं और टीजर देखने के बाद जमकर तारीफ कर रहे हैं टीजर की। इसके बाद देखा जाए तो लोग अब ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, जो इसी महीने 9 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। वेल, अगर टीजर की बात करें तो टीजर वाकई में रोंगटे खड़े करने वाला है। टीजर में दिखाया गया VFX से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक, हर चीज इसे दूसरी फिल्मों से काफी अलग बनाती है। वेल दोस्तों, अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी भेड़िया फिल्म बहुत अलग है। इसे दो लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, एक तो जो हॉरर कॉमेडी देखते हैं और एक जिन्हें क्रिएचर वाली फिल्म पसंद है। ये भेड़िया जो है उन्हीं का एक मिक्सचर है, क्रिएचर कॉमेडी, एक नया जॉनर। भेड़िया का टीजर देखते ही आप जंगलों के बीच इस खुखार भेड़िए की दुनिया में प्रवेश करने लगते हैं। घनघोर अंधेरा और दमदार रैप से शुरू होता है ये टीजर, वाकई आपके अंदर सिहरन पैदा कर देता है। रात में जंगलों के बीच भागते वरुण धवन और राग के रूप में बनता भेड़िया इसकी दमदार VFX को दर्शाता है। टीजर में जबरदस्त गाना भी है जो आपको बताता है कि कैसे भेड़िया अपने पापी पेट के लिए इंसानों को अपना खाना बनाएगा। लेकिन दोस्तों, टीजर में सबसे बड़ी कमी एक चीज रही, इसमें कृति सैनन नजर नहीं आई कहीं भी। जहां लोगों को फिल्म का ट्रेलर टीजर बहुत पसंद आया, लेकिन एक एक्टर को फिल्म का टीजर नहीं पसंद आया और उसने फिल्म को रिलीज होने से पहले ही डिजास्टर बता दिया। एक्टर का नाम है KRK। KRK ने अपने ट्वीट में लिखा, कल मैंने भेड़िया का टीजर देखा, बाय गॉड की कसम, देख कर चक्कर आ गया। इसने मुझे 80s 90s की रामसी की फिल्म याद दिला दी, बधाई वरुण भैया। इसके बाद एक और उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर आज के वक्त प्रोड्यूसर्स भेड़िया और विक्रम वेदा जैसी फिल्में बना रहे हैं तो वो जनता को फिल्म नहीं देखने का दोष कैसे दे सकते हैं। अगले ट्वीट में लिखा उन्होंने, जनता इस तरह की बकवास और वाहियात फिल्में देखने के लिए मेहनत की कमाई और समय क्यों बर्बाद करे? बॉलीवुड को बचाना है तो ये बकवास बंद करो। आज पूरे भारत में विक्रम वेदा के 90% शोज मॉर्निंग में रद्द कर दिए गए। पहले दिन की तुलना में दोपहर के शोज 50% खाली, और इसी वजह से ये फिल्म दूसरे दिन ही डिजास्टर बन गई। फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट 250 करोड़ है। बहुत बहुत बधाई ऋतिक रोशन भाईजान। वेल दोस्तों, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको भी लगता है कि टीजर डिजास्टर है, और क्या आपको भी लगता है कि विक्रम वेदा फिल्म नहीं बननी चाहिए, लोग इस फिल्म को नहीं देखना चाहते? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियोज़।